हेलो स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इन दिस चैप्टर टुडेज टॉपिक इज प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम्स देखे होंगे और उनसे बनने वाली चीज़ें जो है उनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये भी आपने सुना होगा। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के ए वाले पार्ट में प्लास्टिक का जो पॉलीमर है उसका लीनियर अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, और बी वाला जो पार्ट है इसमें प्लास्टिक की यूनिट्स का, पॉलीमर यूनिट्स का क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो है वो भी सिंथेटिक फाइबर की तरह ही एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स। जितने भी प्लास्टिक हैं वो सभी प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट सिमिलर नहीं होता है। इन सम इट इज़ लीनियर, वेयर एज अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। कुछ प्लास्टिक जो हैं उनमें लीनियर अरेंजमेंट होता है और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं उसमें क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। प्लास्टिक आर्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग शेप सोचा है कि ऐसा कैसे होता है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेड, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इन टू शीट्स और मेड इन टू वायर्स। प्लास्टिक जो है वो ईजिली मोल्ड हो जाता है, किसी भी शेप में या किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, उसे रीयूज किया जा सकता है, अलग अलग कलर्स में उसको मेल्ट किया जा सकता है, शीट्स के अंदर उसको रोल किया जा सकता है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच वैरायटी ऑफ यूजेस। पॉलीथिन, पॉली प्लस इथिन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीथिन जो है वो इथेन नाम की केमिकल यूनिट्स का पॉलीमर है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथिन जो है वो भी प्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथिन बैग्स। मार्केट से जो हम चीज़ें खरीद कर लाते हैं उनको लाने के लिए जो पॉलीथिन बैग्स यूज़ करते हैं उसमें इस पॉलीथिन का बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बैंड ईजीली। आप किसी भी प्लास्टिक के एक पीस को बैंड करने की कोशिश कीजिए। क्या सभी तरह के प्लास्टिक आर्टिकल्स ईजीली बैंड हो जाते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजीली वाइल सम ब्रेक वैन फोर्स टू बेंड। आपने ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है वो ईजीली बेंड हो जाते हैं, जबकि कुछ टूट जाते हैं जब उनको फोर्स किया जाता है बेंड करने के लिए। वैन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डीफॉर्म। जब हम किसी प्लास्टिक बॉटल के अंदर गर्म पानी भरते हैं तो वो प्लास्टिक की ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर ईजिली बेंड हो जाते हैं और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी पाइप्स वगैरह जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। ऑन द अदर हैंड there are some plastics which when we molded once cannot be softened by heating। इसके opposite में वो plastic जिनको एक बार किसी shape में mold कर लिया जाता है तो heating के through वो वापस softened नहीं होते हैं। this type of plastics are called thermosetting plastics। two examples are bakelite and melamine। bakelite is a poor conductor of heat and electricity। it is used for making electrical switches, handles of various यूटेंसिल्स। बेकेलाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसीलिए इसको स्विचेस बनाने में, यूटेंसिल्स के हैंडल्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है।
मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक। मेलामाइन जो है वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जो फायर को रेजिस्ट कर लेता है, यानी फायर को टॉलरेट कर देता है दूसरे किसी भी प्लास्टिक से ज़्यादा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे इफ यू थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। आज के ज़माने में अगर हम कोई भी चीज़ों को स्टोर करते हैं, कंटेनर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उसका क्या रीज़न है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ। इसका रीज़न ये है कि प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं वो वेट में हल्के होते हैं, कम कीमत के होते हैं, गुड स्ट्रेंथ, मजबूत होते हैं और इजी हैंडलिंग होते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, और मेटल की तुलना में हल्के होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। प्लास्टिक से बनने वाले जो आइटम्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो एंडलेस है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपने देखा होगा कि जब आयरन यानी लोहे की किसी भी चीज़ को खुले में रखा जाता है और मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में जब वो आती है तो उस पर रस्ट लग जाती है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक जो है वो पानी और हवा के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करते हैं। दे आर नॉट कॉरोडेड ईजिली, और ना ही वो ईजिली ख़राब होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए बहुत सारे केमिकल्स के साथ साथ दूसरी चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एज वी ऑल नो, प्लास्टिक जो है वो हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अलग अलग शेप और साइजेस में उसको इजीली मोल्ड किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। मेटल के कंपेरेटिवली प्लास्टिक जो है वो बहुत चीपर है, यानी सस्ते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक की जो अनादर क्वालिटी है वो ये है कि वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यू हैव लर्न्ड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जिससे अगर उसको छुएं तो करंट वगैरह नहीं आता है। एज मैंशनड अबाउट, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैंस आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। अपने घर पे जो हम खाना बनाने के लिए बर्तन यूज़ करते हैं, फ्राइंग पैंस वगैरह, उनके जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं और इजीली हम उस यूटेंसिल्स को लिफ्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथिन बैग्स। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। हमने जनरली देखा होगा कि हम प्लास्टिक का यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो प्लास्टिक का वेस्ट जो है वो हमारे घर पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अल्टीमेट प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू गार्बेज डिस्पोजल और ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। तो ये जो गार्बेज होता है प्लास्टिक का, अगर ये इकट्ठा सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, मतलब जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, और ऐसे सब्सटेंस जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इजीली डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, इसीलिए ये एनवायरमेंट को हार्म
करता है, हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। आज बच्चों हमने प्लास्टिक की डिफरेंट क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ फाइल के थ्रू दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।